Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं SSC CGL टीयर 1 की एग्जाम्स 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। 13 अगस्त यानी कि कल 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का, देखते हैं क्या पैटर्न रहा है अभी तक SSC का और आने वाले टाइम में क्या रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं और सभी शिफ्ट के एनालिसिस के बाद यानी जब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसे हम ये कट ऑफ निकालेंगे, सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा SSC CGL स्पेशल वीडियो। फ्रेंड्स, SSC ने 13 अगस्त को 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया है CGL टीयर 1 का। मैं आपको बता दूं, तीनों शिफ्ट में इस बार अच्छी खबर ये है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि लगभग लेवल जो भी रहा सब में सेम है। देखिए, 19-20 का जो अंतर है वो तो चलता ही है, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन जो है पिक्चर में आने वाला ही है, आएगा ही डेफिनेटली। परंतु इस बार SSC ने पूरी कोशिश की है कि शिफ्ट को लगभग सेम बनाया जाए। फ्रेंड्स, 13 अगस्त के एनालिसिस जो कि हमने देखा, जो स्टूडेंट से बात करी, उस रिव्यू से हम कह सकते हैं कि 13 अगस्त को जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ है वो लगभग सेम लेवल का रहा है। इस बार पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स की, थोड़ी कैलकुलेटिव सी है, 2-4 क्वेश्चन आपको उलझाने वाले हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो कैसे आप उन क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इन एग्जाम्स में। इसके अलावा दोस्तों, रीजनिंग भी जैसा कि पहले होता था कि रीजनिंग में आप 50 में से 48 नंबर लेकर आ रहे हैं, परंतु इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार की रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हैं, थोड़ा सा सोचने वाले हैं। उस समय अगर आपको हिट कर जाते हैं वो सीरीज के क्वेश्चन, नंबर के क्वेश्चन, तो बहुत ईजी हैं, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो रीजनिंग में भी इस बार एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो कम रहने वाला है। दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल मोर ऑर लेस सेम है, 2-4 वर्ड्स को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं GS की दोस्तों, तो GS भी अच्छी पूछी जाएगी। फ्रेंड्स, GS में मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 13 अगस्त के शिफ्ट में वो लास्ट 4-5 महीनों के नहीं पूछे गए। इसका मतलब ये श्योर है कि SSC ने अपनी तैयारी मई के अकॉर्डिंगली कर ली थी, जो उनके मई में एग्जामिनेशन की डेट थी उससे पहले के ही करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। यानी कि आप मान लीजिए लास्ट ईयर के स्पेसिफिकली और जो जनवरी फरवरी मार्च तक के जो करंट अफेयर्स हैं वहीं पूछे गए हैं, तो वहीं पूछे भी जाएंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख के प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जिन्होंने पेपर दे दिया 13 अगस्त का, और आने वाले टाइम में जिन स्टूडेंट्स का पेपर होता जाएगा उन सभी का हम लोग एक रिव्यू फॉर्म भरवा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहां पे देख ही पा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना नेम, किस दिन आपका पेपर था और किस शिफ्ट में आपका पेपर था। जैसे सपोज कीजिए आपका पेपर 17 अगस्त को है, 17 अगस्त को आपका आफ्टरनून शिफ्ट में है, तो आपको सबसे पहले अपना नेम मेंशन करना है इस फॉर्म में, नेम, उसके बाद डेट डालनी है कौन से दिन आपका पेपर था, और शिफ्ट डालनी है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3। शिफ्ट 1 मॉर्निंग वाली होगी, शिफ्ट 2 आफ्टरनून वाली होगी, शिफ्ट 3 होगी इवनिंग वाली। आप चाहें तो टाइम भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 से भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस फॉर्म में भरनी है वो है आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे एग्जाम में। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको लास्ट में स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे, तो आपको ये बताने आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे, और लास्ट जो कॉलम है, लास्ट जो पॉइंट है उसमें आपको फिल करना है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके अकॉर्डिंगली कितने रहे। मान लीजिए मैं कोई स्टूडेंट 80 अटेम्प्ट करके आता है तो 82 या 160 मार्क्स होते हैं, परंतु ये हम जानते हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, कुछ 2-3 गैसेस भी हम लोग लगाते ही हैं, तो आपके एक्सपेक्टेड कितने, मान लीजिए 140 है, 142 है, 143 है, तो जो भी आपके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड मार्क्स है उसे आप इस कॉलम में भर दें। फ्रेंड्स, हम 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जब जब ये एग्जाम होगा, जिस जिस शिफ्ट में होगा, सभी स्टूडेंट्स का ये डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसके एक दिन बाद मैं आप लोगों को इन सभी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस लेवल का, कौन सी शिफ्ट का, कौन से डे का सबसे इजी रही, कौन सा डे, कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड रहा, और कंपैरेटिव एनालिसिस करके दोस्तों हम एक फाइनल कट ऑफ की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपना तो रिव्यू डालिए, साथ ही आप किसी फ्रेंड को जानते हैं तो उनको भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा डेटा होने से हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो कट ऑफ हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो मोर और लेस एक्यूरेट होगी ही होगी, लेकिन इसके लिए हमें सैम्पल साइज जो है, डेटा साइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, अपना नेम, किस दिन आपका पेपर हुआ, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, नेक्स्ट आपने कितने अटेम्प्ट किए उस पेपर में, और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है।
फ्रेंड्स इन चारों पांचों चीजों को आप हमें हमारी मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेल कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम पूरा डेटा कलेक्ट करके और इन डेटा को कंपाइल करके फ्रेंड्स हम जब SSC के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, सभी शिफ्ट के एग्जाम हो जाएंगे, तो टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए लेके आएंगे। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से शिफ्ट में जो है सबसे पेपर टफ रहा, कौन से शिफ्ट में सबसे इजी रहा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली फायदा किस शिफ्ट को होने वाला है, किसमें कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, किसमें कितने मार्क्स घटने वाले हैं। साथ ही साथ इस जब एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों, हम एक सेफ स्कोर भी प्रिडिक्ट करने वाले हैं। उस सेफ स्कोर से आपको ये पता लग जाएगा कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप टीयर 2 की तैयारी बिंदास चालू कर दीजिए और अभी से ही कर दीजिए, ताकि आपका समय जो है एक दिन भी वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी होता है, जब एक स्टूडेंट एग्जाम दे के आता है तो उसे अपने एग्जाम के अलावा औरों के एग्जाम की भी टेंशन रहती है कि और लोगों का पेपर कैसा गया, कट ऑफ कम जाएगी या हाई जाएगी, पेपर का लेवल कितना रहा, मेरा टफ शिफ्ट में था या इजी शिफ्ट में था, इन सभी चीजों का एनालिसिस आप लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है, आपको खुद जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा इस डेटा को बढ़ाना है, सैंपल साइज को बढ़ाना है, ताकि हम बेस्ट एनालिसिस आप लोगों के लिए कर पाए। तो दोस्तों आने वाले सभी शिफ्ट के लिए सभी एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी स्ट्रेटेजिकली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रीवियस जो शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली एक रिव्यू लेकर जाइए और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। GS के लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ, GS के लिए आप लास्ट 4-5 महीने के छोड़ दीजिए, उससे पहले के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें पढ़िए, अच्छा एग्जाम दीजिए दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है इस वीडियो को देखने से पहले, तो वो प्लीज़ ये रिव्यू फॉर्म जरूर भर दें, ये हम एनालिसिस करके आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।